सबसे एक एक बार गले लग लेते हैं। आइए देखिए, दीपक की मम्मी, अरे आपकी बेटी को खूब नचवाऊंगी मैं यार। लरन फसंग में बहुत डांस करती है वो, है आप क्या जानती है, उसका डांस में को इम्प्रेस करता है, है? नहीं रोना है बिल्कुल, बैठिए। कैसे मेरी बिटिया, ये लोग मेरे बड़े बच्चे, ये देखिए यार इसमा की मम्मी। अरे बड़ी बात नहीं है।
एक बार के लिए तो रुक जाइए, मैं एक बार फिर अगले बार ऐसा बिना बताए जाऊंगी। हाँ मैम रुक जाइए, मतलब रुक जाइए, रुक जाइए, मास्टर बिना बताए आप जैसे हम लोग को अभी यहाँ नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम लोग को सब यहाँ मेरे दीदी भैया दादी दादा मम्मी पापा सब यही है मेरे, एक फैमिली बैकग्राउंड में और एक फैमिली यहाँ है, तो आप लोग मेरा परिवार है ना। तो आज आप लोग इस बात को साबित कर दिए कि आज आप लोग मेरे को अपनी बहन अपनी दीदी अपनी बेटी तो मानते हैं, मानते हैं ना हैं? बहन ज्ञान देना बच्चे लोग को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझती हूँ, है ना। मेरे को लगता है कि मेरी नौकरी इसीलिए लगाई गई है कि मेरे को अपना काम ईमानदारी से करना है, करना है। उसमें मैं इतना सा भी क्या बोलते हैं काम चोरी नहीं करती, बल्कि उससे ज्यादा करती हूँ, चाहे मैं रहूँ चाहे सरकार का रहे, इतना सा भी हम लोग काम चोरी नहीं करते। एनी टाइम हम लोग कुछ ना कुछ बच्चे लोग के साथ करते ही रहते हैं, आप लोग को सारा जानकारी मिलता होगा। हम बोलते हैं कि जो पढ़ते हो जाके घर में बताओ, डांट भी खाए हो तो भी जाके बताओ कि डांट क्यों खाए, बताते हैं झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते कभी, है ना। तो ऐसे ही मिलके स्कूल को आगे बढ़ाना है और स्कूल को लेके चलना, तभी स्कूल का विकास होगा, बच्चे का विकास होगा। मेरा आप लोग से हर दिन से निवेदन है, आएंगे तो आप लोग तो यहाँ कभी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे, जाए स्कूल जैसा भी है, नहीं कर पाते हैं उसकी एक वजह है बहन, उसकी वजह यह है कि सर को टेबल पर चढ़ाना नहीं है, वो रात में सोते होंगे ना तो एक मैसेज आ जाता है कि ज्यादा जानकारी बना के तत्काल 10 बजे पहुंच रहा है, वही तो बात है। हाँ सर बिजी हो जाते हैं तो यहाँ पढ़ाई कौन करवाएगा, अब देखिए कोई मैडम आएंगे तभी तो होगा यहाँ पढ़ाई, नहीं तो नहीं होगा। आपका रुकना यही जरूरी लग रहा है, यही जरूरी लग रहा है, इसलिए तो हम लोग भी चले आए जल्दी, मैं रुक जाऊंगी, गलत बात फिर कभी मत करना, राशि वाली बात दोबारा हो रही है, बस मैं आप रुक जाइए, ऊपर वाले का इतना कर्म है कि अच्छा कमा रही हूँ और पैसे की कभी कमी रही नहीं है ना, और ऊपर वाला ना करे की कभी, हम सब आपको कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। अब मेरे लिए प्रार्थना करिए कि हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ें, है ना, ठीक है। आजाद नगर को और ऊपर लेके जाना, यहाँ जाकर जितना जानते हैं और कोई फ्रेंडली स्कूल के बच्चे नहीं जाते, प्राइवेट में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग नहीं जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं मैडम, वो भी इतना पैसे देकर पढ़ा रहे हैं ना बच्चे लोग, सुना 7,000 रुपये 12,000 रुपये 15,000 रुपये फीस देकर महीने में पढ़ा रहा है, लेकिन आज यहाँ शासकीय स्कूल में करने के इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, यहाँ से जाएंगे कि रुटी तू एक बात का प्रॉमिस कर कि 5 साल में उसका शादी करा दे, 5 साल हाँ ठीक है मैम, हाँ ठीक है तीन साल में शादी हो जाना चाहिए, कुमार है ना इनका शादी 5 डन है, है ना, 5 साल के अंदर अंदर तीन मेरे को ज्यादा पागल की चाहिए। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो आप लोग क्या देंगे, क्या बच्चे लोग को शिक्षा देंगे,
हम मदद करेंगे ऐसा सोच कैसे लिए हमारे बच्चे नहीं जी वो तो ठीक बात है। आप मेरे लिए ऐसा कैसे सोच ली थी मेरे को राखी दिया? अरे मैम आप चले जाएंगे तो आप हमारे बच्चे लोग मिलेगा हमको आप पढ़ाए मैम हमारे बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं आपके जगह मिले क्या जितना ये बच्चे लोग बात करें इंग्लिश से बात करें जो भी कर रहे हैं बाहर से जो भी कर रहे हैं वो जगह करने को मिलेगा कभी मिलेगा क्या कभी नहीं मिलेगा हम लोग अगर अगर मैं नहीं होगा ना सर्दी भी तो हो रहा था ना तो भी सर्द चले जाते हमारे बच्चे को शिक्षा मिलता है और जिस जगह हमने स्कूल से पढ़ के निकले उस हमको आपको बात करना पड़ा है कुछ सीखे हैं कुछ जानकारी हमको हुआ तब तो भी आज स्कूल में आके बात कर रहे हैं। ये जो स्कूल है ना ये स्कूल के दो पहिए एक सरकार का और एक मैं हूँ कोई एक घन नहीं रहता है ना तो एक घन के ऊपर पहाड़ जैसा भार पड़ जाता है बड़ा तो ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं नहीं हूँ तो स्कूल डाउन हो जाएगा सरकार से बहुत मेहनत करते हैं जब तक आप नहीं रहेंगे ना दो आदमी नहीं संभाल पाते नहीं नहीं संभालते मैं भी जानती हूँ हम लोग परेशान रहते हैं मैं नहीं रहती हूँ जाते हैं और वो नहीं रहते हैं मैं अकेले रहती हूँ तो बहुत झाग पड़ जाता है वो बेचारे दाग बनाने में इधर उधर मीटिंग में व्यस्त रहते हैं मेरे को ये सबसे बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं वो कि मैं इधर काम कर रहा हूँ दौड़ भाग रहा हूँ आप जो है पढ़ाने का काम करिए तो मैं पढ़ाने का काम दिल से करती हूँ तो नहीं मेरे को फ्री छोड़े हैं तब ना मेरे को फ्री छोड़े हैं तब तो मैं कर रही हूँ जैसा आदमी मेरे को जिंदगी में नहीं मिल सकता है कभी भाई मैं बोल रही हूँ हमको पढ़ाए हम जानते हैं नहीं मैं आप मेरे मुँह से कभी नहीं सुनी होंगी मेरे विद्यार्थी मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे बच्चे है ना मैं हमेशा मेरे बच्चे मेरे फेसबुक मेरे व्हाट्सएप में कहीं भी नहीं मैं कभी भी बोलती हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ में मेरे विद्यार्थी मैं मतलब अगर बाई चांस लिखना हो तो लिखती हूँ लेकिन मेरे बच्चे आप लोग के लिए जाना पड़ता है ना।
बोलो रोज आना स्कूल, ऐसे ही मिलेगा तेरे को खाने के लिए है ना, और टीवी देखने के लिए बोलता है मैडम टीवी लगाइए तो मैं स्कूल आऊंगा। बाप रे, लग रहा त्योहार है ना भैया।